हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा को हार्ड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली एंकल लेंथ में जुराब बनाकर लाई हूं आज मैं आपको जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है फ्रेंड्स ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है तो चलिए देखते हैं कि ये सुंदर सी जुराब कैसे बनाई गई है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई तीन तार वाली ऊन ली है ये लोकल ब्रांड की तीन प्लाई वाली ऊन है और इसमें मैंने ये दस नंबर की सिलाई यूज की है जुराब को बनाने के लिए यहाँ दस नंबर की सिलाई में मैंने फोर्टी एट फंदे लिए हैं अगर आप इस तीन प्लाई वाली ऊन से इस जुराब की स्टार्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप इसमें 48 यानी 48 फंदे डाल लीजिए फंदे आप डिजाइनर डालिए या नॉर्मल लेकिन हल्के से लूज हाथ से डाल लीजिए जिससे ये जो किनारी है ये हार्ड ना बने थोड़ी सॉफ्ट बने और अगर आप ये जो सिंगल धागे वाली ऊन होती है थ्री प्लाई या फोर प्लाई में अगर आप इस जुराब से स्टार्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप इसमें 52 यानी यानि बावन फंदे डाल लीजिए क्योंकि इस ऊन में स्ट्रेचिबल कम होता है और तीन तार वाली में ज़्यादा होता है तो इसमें आप चार फंदे ज़्यादा डाल लीजिए बिल्कुल सेम तरीके से फिर यहाँ से पैर की चौड़ाई बन जाएगी अब फंदे डालने के बाद देखिए सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः जो हमारी छः लाइनें आपको ये दिख रही हैं मैंने यहाँ पर ग्यारह सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी है दोनों साइड से सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी ग्यारह सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद बारहवीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने अपना सेकेंड कलर लगाया है आप इसे एक रंग में दो रंगों में या बची हुई आपके पास थोड़ी थोड़ी सी ऊन हो किसी तरह से भी बना सकते हो तो 11 सिलाइयों का बॉर्डर बना के बारहवीं सिलाई पर मैंने अपना सेकंड कलर लगाया और इससे मैंने उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी चार सिलाइयाँ अपने इस क्रीम कलर से बनाई उसके बाद फिर दो सिलाइयाँ ये जो हमारा तीन प्लाई वाला मल्टी कलर है इससे बनाई फिर से मैंने चार सिलाई सीधी उल्टी क्रीम कलर से बनाई यानी चार और दो छः और चार दस और अब हमने देखे एक सिलाई इस कलर से बोली यानी ग्यारह सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है और ग्यारह सिलाइयाँ हमने ऊपर सीधी उल्टी बना ली है यहाँ तक हमारी टोटल ये बाईस सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं अब हम इसकी तेईसवीं सिलाई पर इसकी एडी बनाएंगे ये वाली अगर आप इस जुराब को लॉन्ग बनाना चाहती हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप थोड़ा और लंबा बना सकती हैं ये तो ये लॉन्ग बन जाएगी और अगर आपको एंकल लेंथ में बनानी है तो यही आप इसमें बाईस सिलाइयाँ बनाइए और तेईसवीं सिलाई पर हम एडी बनाएंगे ए डी दोनों जुराब की बिल्कुल एक जगह बनेगी फिर जब हम यहाँ पर आएंगे ये उंगली और अंगूठे का जो पार्ट बनाएंगे इसमें हम चेंज करेंगे बाकी यहाँ तक कि हमारी दोनों जुराब बिल्कुल सेम बनेंगे क्योंकि जो एडी आती है वो हमारी जुराब के बीच में आएगी तो वो दोनों की एक जैसी बनेगी उसमें कोई अंतर नहीं आएगा तो अब हमारे पास ये जो हैं फोर्टी एट फंदे हैं अड़तालीस अड़तालीस में से अब देखिए हम कैसे करेंगे ये जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे देखिए ऐसे करके ठीक है और यहाँ से हम बैक साइड से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे तो देखिए दो का हमने एक कर दिया चौबीस फंदे हमने आगे छोड़ने हैं आप चाहो तो चौबीस चौबीस फंदे करके बीच में मार्कर लगा सकती हो या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हो देखिए हमने दो का एक किया तो ये दो फंदे हमारे काउंटिंग में आएंगे यानी दो हो गए अब देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस देखिए ये हमने दो का एक किया तो दो फंदे ये काउंटिंग में हो गए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और अब इन दो फंदों में हम आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे तो देखिए हमारे चौबीस हो गए हैं तो यानी दो का एक यहाँ किया दो का एक यहाँ किया अब हमारे पास ये टोटल बाईस फंदे हो गए हैं दोनों तरफ से घटाने के बाद और ये हैं हमारे चौबीस फंदे इन चौबीस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे अब ये जो हमने दो का एक किया इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और लास्ट का एक फंदा रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे जो लास्ट वाला हमने दो का एक किया है उसे हमें नहीं बुनना है बाकी के फंदों को आप इस तरह से उल्टा बनाइए यहाँ पर ये जो हम एडी बना रहे हैं दोनों जुराब की बिल्कुल सेम एक ही जगह पर बनेगी कोई अंतर नहीं आएगा सिर्फ अंतर आएगा इसका जो हम पंजे वाला पार्ट बनाएंगे इसमें तो ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर दो का एक किया था ना इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे यहीं से आप टर्न कर जाइएगा अब देखिए इस फंदे में और इस नेक्स्ट वाले में बैक साइड से हम सिलाई डालेंगे और दो फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे हर सीधी सिलाई पर हमें यहाँ से और लास्ट में दो का एक करना है अब देखिएगा ये बीच के जो फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे दोनों तरफ से हर सीधी सिलाई पर हमारा एक एक फंदा कम होगा हमारे जो चौबीस फंदे हैं इसमें से हम बारह फंदे घटाएंगे छः एक साइड से और छः फंदे एक साइड से ये हमारे बारह सिलाइयों में कम हो जाएंगे तो ये देखिए ये आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से जो हमने यहीं से टर्न किया था ये छेद बन गया है अब इन दोनों फंदों को टाइट हो तो लूज कीजिए आगे से सिलाई डालिए और दो का एक फंदा आप बना दीजिए अब फिर से आप यहीं से टर्न कीजिए ये जो हमने दो का एक किया इसे स्लिप करेंगे और लास्ट का एक फंदा रहने तक बाकी के जो फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे तो ये देख लीजिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बुन लिया ये जो लास्ट का है इसको नहीं बुनना इसको आप ऐसे ही स्लिप कर लीजिए इससे यहाँ पर एक चैन बनती जाएगी और जब हम ये फंदे वापस उठाएंगे तो उसमें काफ़ी आसानी होगी तो इस फंदे को हमने स्लिप कर लिया है अब ये स्लिप किया हुआ और एक नेक्स्ट वाला बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ हम दो फंदों का एक फंदा बना देंगे यहाँ हमारा ये तीसरी बार फंदा कम हुआ है अब लास्ट में इसमें जो दो फंदे आएंगे उस तक हमें इन फंदों को सीधा सीधा बुनना है बहुत ही आसान तरीके से ये हमारी एडी बनती है जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो भी इसको बिल्कुल आसानी से बना लेंगे जिनको सिर्फ़ सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनानी आती हैं बहुत सारी बहनों के कमेंट्स थे कि बिल्कुल आसान तरीके से जुराब बनाना बताइए क्योंकि हम न्यू बिगनर्स हैं तो न्यू बिगनर्स के लिए ये बहुत आसान तरीका है ये देखिए अब लास्ट के ये जो दो फंदे हैं इन दो में आगे से सिलाई डालिए और यहाँ आप दो का एक फंदा बना दीजिए फिर से उल्टी साइड पर आ जाइए इस फंदे को आप स्लिप कीजिए जो दो का एक किया है और लास्ट वाला फंदा रहने तक बीच वाले फंदों को आप उल्टा बुनिए तो ये देखिए बीच के फंदों को मैंने बना लिया और ये जो लास्ट का दो का एक किया हुआ है इसको हम स्लिप करेंगे अब आ जाइए सीधी साइड पर अब फिर से हम एक ये वाला और एक नेक्स्ट वाला बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे यहाँ पर ये हमारा चौथा फंदा कम हो गया है अब बीच में देखिए ये दो का एक करने के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह तेरह चौदह अब बच के ये वाले दो इन दो को थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से सिलाई डालकर दो का एक कर देंगे फिर से हम टर्न करेंगे ये जो हमने दो का एक बनाया इसको स्लिप करेंगे और बीच वाले फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और लास्ट का जो हमारा दो का एक किया हुआ फंदा है उसे हम स्लिप करेंगे तो इसी तरीके से इसकी हमें घटाई करनी है जब तक हमारे बारह फंदे इसमें नहीं बचते हैं तो ये देखिए इस फंदे को हम स्लिप करेंगे फिर से आज ये आप सीधी साइड पर देखिए आपकी फली बिल्कुल बनती जा रही हैं ये ऐसे चैन आपको दिखेंगी फिर बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे दो का एक करेंगे अब बीच में देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये जो लास्ट वाले दो हैं आगे से सिलाई डाल के दो का एक फंदा कर देंगे फिर से आ जाइए उल्टी साइड पर ये जो दो का एक किया इसे हम उतार लेंगे और बीच के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और जो हमारा लास्ट का है दो का एक किया हुआ उसको हम स्लिप करेंगे तो ये देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हमारी ये एडी बन रही है तो इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया और लास्ट वाले को स्लिप किया अब ये लास्ट बार हम इसकी घटाई कर रहे हैं देखिए बैक साइड से दो का एक करेंगे उसके बाद एक दो और ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये जो दो हैं आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे तो देखिए अब सिर्फ हमारे पास ये बारह फंदे हैं आप गिन सकते हो दो चार छ आठ दस और ये दो बारह अब आ जाइए उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर इस फंदे को आप स्लिप कीजिए और ग्यारह फंदे आप बनाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह देखिए अब की बार हम इस कोने वाले फंदे को बना लेंगे और यहाँ से अब हम फंदे उठाना शुरू करेंगे तो ये देखिए ये जो नीचे चैन है इसमें सिलाई डालेंगे और ऐसे करके इस चैन में से हम एक फंदा ऐसे करके उठा देंगे तो इधर से एक फंदा बढ़ गया अब आ आप इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर देखिएगा अब इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट में हमें फंदा उठाना सभी फंदों को सीधा बुनिए आप क्योंकि अब हमारे 12 से 13 हो चुके हैं इधर वाले कोने का फंदा हम उल्टी साइड से उठाएंगे और जो बीच वाला पार्ट आ रहा है उसमें हम जब सीधी साइड से बुनते हुए जाएंगे तब फंदा उठाएंगे तो ये देखिए इसको हमने सीधा बुन लिया अब ये जो इसके नीचे चैन है देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे करके उठा देंगे फिर से आप जो है उल्टी साइड पर आइएगा ये हम फंदों को बुन लेंगे हमारे चौदह फंदे हो गए हैं दोनों साइड से एक एक फंदा हमने उठा लिया है बारह फंदे हमने घटाए बारह ही फंदे अब हम दोनों साइड से एक एक करके उठा लेंगे तो हमारे फंदे फिर वही बराबर फोर्टी एट सिलाई पर आ जाएंगे चौबीस एक साइड के चौबीस एक साइड के अब देखिए यहाँ तक बुन लिया अब ये नीचे वाली जो चैन है सेकंड वाले इसमें सिलाई डालेंगे एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे यहीं से टर्न करेंगे और सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे ये देखिए मैंने यहाँ तक इनको सीधा बुन लिया है अब इस साइड से हम फंदा उठाएंगे तो ये देखिए सेकंड वाली जो चैन है इस चैन में ऐसे सिलाई डालेंगे यहाँ से हम एक फंदा ऐसे करके उठा लेंगे अब उल्टी साइड से आप सभी फंदों को उल्टा बना दीजिए ये उल्टी साइड की सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है अब हम यहाँ से फंदा उठाएंगे तो देखिए ये जो हमारी नेक्स्ट वाली जो इसकी चैन है इसमें हम ऐसे करके सिलाई डालेंगे और यहाँ से फंदे को उठा लेंगे फिर आ जाइए सीधी साइड पर सीधी साइड से हम ये जो फंदा होता है ना इसको थोड़ा टाइट करके बुन लीजिए उठाया हुआ फंदा थोड़ा लूज हो सकता है इसको टाइट करके फिर बुनिएगा सीधा आप और आगे सभी फंदों को सीधा सीधा बुनिए लास्ट में हमें फिर फंदा उठाना है देखिए लास्ट तक मैंने सीधा सीधा बुन लिया है अब इसके नीचे वाली जो चैन है इसमें सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम उठा देंगे दोनों साइड से हमने तीन तीन फंदे अभी उठाए हैं अब उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए उल्टी साइड को ऐसे उल्टा बुन के और फिर यहाँ से हमें फंदा उठाना है तो देखिए ये वाली जो चैन है इसमें सिलाई डालेंगे। एक फंदा हम यहाँ पर उठा लेंगे अब आ जाइए सीधी साइड पर सीधी साइड से सभी फंदों को हमें सीधा बुनना इस फंदे को ऐसे टाइट करके लीजिए अगर ये यहाँ से लूज बचेगा तो ये जो यहाँ पर इसका जोड़ बनेगा एडी का इसमें छेद बन जाएंगे और लुक अच्छी नहीं आएगी तो इस फंदे को आप टाइट करके सीधा बुनिए फिर सभी फंदों को आप ऐसे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए सिलाई देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम ये वाली जो चैन है देखिए इसमें ऐसे करके सिलाई डालेंगे और यहाँ से फंदा उठाएंगे दोनों साइड से हमारे चार चार फंदे हो चुके हैं अभी हमारे दो दो फंदे और उठाएंगे अब उल्टी साइड से सिलाई को आप पूरा उल्टा बनाइए तो ये देख लीजिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है अब हम देखिएगा ये वाली जो चैन है इसमें सिलाई डालेंगे एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड से सभी फंदों को आप सीधा बनाइए सीधी साइड की मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है अब देखिए हम यहाँ से फंदा उठाएंगे ये वाली जो चैन है इसमें सिलाई डालेंगे और यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे ये जो हमारा उठाया हुआ फंदा इसको आपने चाहे सीधी साइड से बुन रहे हों चाहे उल्टी साइड से इसे टाइट करके ही बुनना है अब इन फंदों को आप उल्टा उल्टा, उल्टा बुन लीजिए तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है देखिए दोनों साइड से हमारे पाँच पाँच फंदे हमने उठा लिए हैं छः छः हमने घटाए थे अब लास्ट का जो फंदा उठाएंगे यहाँ पर आपको कोई चैन दिखाई नहीं देगी क्योंकि हमने जो पहली बार फंदा उठाया था वो वाली चैन का फंदा सिलाई के ऊपर ही था इसलिए उसे नीचे वाली चैन से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे अब जो लास्ट का फंदा उठेगा ये जो हमारी पहली सिलाई बनी थी इस कलर की यहाँ से ताकि ये जोड़ बिल्कुल अच्छे से मिल जाए इसमें सिलाई डालिए और यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए तो ये हमारे छः फंदे इस साइड से हो चुके हैं अब यहाँ से आप इन फंदों को सीधा सीधा बना दीजिए इस फंदे को आप काफ़ी टाइट कीजिए देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस अब हम चौबीसवा फंदा देखिए यहाँ पर भी आपको कोई चेन दिखाई नहीं देगी यहाँ से जो हमने टर्न किया था इसमें सिलाई डालिए और इस चौबीसवें फंदे को बना लिए ऐसे बुनने से यहाँ पर कोई गैप नहीं आएगा पता नहीं चलेगा कि एडी किस तरीके से बनी है तो ये हो गए हमारे चौबीस फंदे अब ये जो आगे के चौबीस हैं इनको भी आप सीधा सीधा बना लीजिए ये जो हम जुराब बना रहे हैं ये पाँच छः और सात तीनों साइज़ के लिए ऊपर से हमें जो फंदे हैं वो बिल्कुल एक जैसे यही लेने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं तीन प्लाई तीन तार वाली में आप फोर्टी एट फंदे ले लीजिए तीन प्लाई फोर प्लाई सिंगल धागे वाली में आप फिफ्टी टू यानी बाउन फंदे ले लीजिए बस ये होता है कि पाँच नंबर में ये वाली जो लेंथ होती है यहाँ तक की थोड़ी छोटी बन जाएगी छः नंबर में इतनी ही बन जाएगी सात नंबर में चार सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा बन जाएंगी बस इतना ही अंतर आएगा बाकी के फंदे आपको बिल्कुल सेम लेने हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी ये जो हम कलर लगा रहे हैं इसकी दो सिलाइयाँ बनी हैं आगे मैंने यहाँ पर ये जो कलर है इससे चार बनाई हैं और जो क्रीम कलर है उससे दो दो सिलाइयाँ बनाई हैं आप अपने हिसाब से अगर एक कलर से बना रहे हो तो एक कलर से बनाते जाइए दो तीन रंगों में बना रहे हो तो यह आपकी अपनी चॉइस चलेगी कि, कि किस कलर से आपको कितनी कितनी सिलाइयाँ बनानी है। सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही हम बुन रहे हैं अब उल्टी साइड से हम सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे और फिर सीधी साइड से सिलाई को पूरा सीधा सीधा बना देंगे तो आप भी ऐसे ही इन सिलाइयों को सीधा उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई अब सीधी साइड से मैं यहाँ पर सिलाई को सीधा सीधा बुन लूँगी तो यहाँ पर मेरी ये चार सिलाइयाँ मल्टी कलर की कंप्लीट हो जाएंगी तो ये देखिए फ्रेंड्स मल्टी कलर की यहाँ पर मेरी ये चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं अब आ जाइए उल्टी साइड पर अब आप अगर दो तीन रंगों में बना रहे हो तो उल्टी साइड से आपका दूसरा कलर लग जाएगा और अगर एक ही रंग में बना रहे हो तो आपकी जो है एक ही रंग से इसकी बुनाई होती जाएगी यहाँ पर तो अपनी चॉइस चलती है कि हम इसे एक रंग में बनाएं दो रंगों में बनाएं मैंने यहाँ तीन प्लाई वाली ऊन के साथ ये सिंगल धागे वाली ऊन थोड़ी सी इसमें मिक्स की है अगर हम इस तरह से मिक्स करके बनाते हैं तो प्रोजेक्ट अच्छे बनते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो अब इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे सीधी साइड से इसमें हमें चार फंदे कम करने हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से मैंने इस क्रीम कलर से इसको बुन लिया है अब यहाँ पर हमारी देखिएगा इसमें चार फंदों की हमें घटाई करनी क्योंकि ये वाला जो पैर का पार्ट होता है इसमें फिटिंग थोड़ी अच्छी आई यहाँ से जुराब ढीली ढाली ना आए पैर में तो हम यहाँ पर इसमें चार फंदे घटा लेंगे ताकि ये पैर की जो फिटिंग है ये बहुत अच्छी आए तो आप एक रंग दो रंग किसी में बना रही हो बस इसी सिलाई पर आपको फंदे कम करने हैं पहला फंदा एडस्टिज होता है इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी होती है देखिए एक हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ नौ फंदे बनाने के बाद आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो फंदे का एक फंदा हम बना देंगे फिर से हम इसमें नौ फंदे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ आप दस भी बना सकती हैं मैंने यहाँ पर दस फंदे बना लिए हैं और आगे से सिलाई डाल के यहाँ दो का एक कर दिया है फिर से आप नौ से दस फंदे बनाइए देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ दस अब ये हमारा यहाँ पर तीसरा फंदा कम हो गया है तो हमने दो का एक कर दिया अब फिर से आप नौ से दस फंदे बनाइए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ नौ फंदे के बाद अब मैं यहाँ पर दो का एक कर देती हूँ और लास्ट में बच गए दो फंदे इनको हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरीके से आप ये चार फंदे घटा दीजिए तो अब आपके पास यहाँ पर 44 यानी यानि 44 फंदे बच गए हैं अब आप अपने जिस हिसाब से कलर लगा रही हों उस हिसाब से सीधा उल्टा बुनते हुए इस जुराब की हमें पंजे तक की लेंथ बनानी है उल्टी साइड से सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी, सीधी साइड से सिलाइयाँ सीधी बुनी जाएंगी तो ऐसे ही मैं अपने कलर चार सिलाइयाँ इस मल्टी कलर से और दो सिलाइयाँ क्रीम कलर से इसकी बुनती जाऊँगी और इस जुराब की जो लेंथ है वो ये देखिए हमें यहाँ तक की बनानी है यहाँ तक मैं आपको सिलाइयाँ गिन के दिखाती हूँ देखिए ये वाली जो सिलाइयाँ हैं जिस पर हमारी एडी हुई है ये हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ बार चार चार सिलाइयाँ एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ बार दो दो सिलाइयों का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है तो यहाँ तक कि मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ ऐसे ही सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए फिर मैं आपको इसका पंजा बनाना बताती हूँ तो आप ऐसे ही सीधा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक का पार्ट बुन लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है इसमें अगर मैं आपको यहाँ से सिलाइयाँ गिन के बताऊँ तो ये देखिएगा ये वाले पार्ट हम छोड़ देंगे दो ये वाइट और ये यानी ये वाली सिलाइयाँ और ये पार्ट हम लेंथ में काउंट कर लेंगे क्योंकि इसी पे हमारी एडी बनी है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ चार चार सिलाइयों के जो पार्ट हैं वे आठ कंप्लीट हो गए यहाँ तक और नौ में की यहाँ पहली सिलाई पूरी हो गई है अब ये जो दो दो सिलाइयाँ हमने बुनी है क्रीम कलर की एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ ही हमने ये बनाई है और अगर मैं आपको इसकी लेंथ नाप के दिखाऊं तो ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ से इसकी पैर की लेंथ में नापेंगे क्योंकि ये वाली जो चार सिलाइयाँ हैं यहीं से ए डी के नीचे आएगा ये देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक हमारा साढ़े पाँच इंच बना है जैसे कि आप एक कलर में बनाओगे तो सिलाइयाँ नहीं गिन पाओगे तो आप इस तरह से साढ़े पाँच इंच ए डी से यहाँ से नाप लेना अब इसका हम देखिए ये वाला पार्ट बनाएंगे अब हमारे पास हैं इसमें टोटल चवालीस यानी फोर्टी फोर फंदे यहाँ पर हमने अड़तालीस डाले थे फिर यहाँ वाली सिलाई में हमने चार फंदे कम किए थे यहाँ फोर्टी फोर हैं अब बाईस फंदे हम ये जो हमारा कलर है क्रीम हमने बिल्कुल हटा दिया है पंजा हम इसका मल्टी कलर से ही बुनेंगे तो बाईस फंदे मैं अब यहाँ पर सीधे सीधे बना लेती हूँ ये देखिए गिनकर भी दिखा देती हूँ एक फंदा ये बनाया है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस देखिए चौवालीस में से हमने बाईस फंदे ये बना लिए और 22 फंदे हमारे आगे बच गए इसको अब हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे सीधे से देखिए सीधा पार्ट मिलाएंगे तो उल्टी साइड दोनों बाहर आ जाएंगे अब हम एक गले वाली सिलाई ले लेंगे जो हमारी डबल पॉइंटेड सिलाई है अब देखिएगा ये जो हमारा अपनी तरफ का फंदा है एक बार हम इसको सिलाई पर ले लेंगे फिर एक फंदा ये जो हमारा बैक साइड की सिलाई पर है इसमें से ले लेंगे फिर एक अपनी तरफ से लेंगे एक बैक साइड से एक अपनी तरफ से ऐसे करते हुए अब हमें ये सारे फंदे एक सिलाई में कर लेने हैं एक बार अपनी तरफ से ले लीजिए और एक बार बैक साइड से तो इनको एक सिलाई में कर लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स एक सिलाई में हमारे फंदे हो गए हैं अब हमने डबल पॉइंटेड सिलाई ली थी धागा हमारा इधर है तो इन फंदों को हम इधर खिसका लेंगे और यहीं से अब हम इसकी बुनाई करना शुरू करेंगे देखिए जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हम ऐसे बुन लेंगे जो बैक साइड का फंदा है इसको स्लिप करेंगे फिर जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हम बनाएंगे जो बैक साइड का फंदा है उसको स्लिप करेंगे पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है जो पीछे की साइड है फंदा उसको आप बिना बुने उतार लीजिए ऐसे करके और जो अपनी तरफ का फंदा है उसकी आप बुनाई कर लीजिए तो इस सिलाई को अब आप ऐसे करते हुए कंप्लीट कीजिए तो ये देखिए अपनी तरफ का फंदा बनाया बैक साइड का स्लिप किया ऐसे करते हुए हमारी सिलाई कंप्लीट होगी अब हम दूसरी साइड की सिलाई को बुनेंगे इसमें भी हमें ऐसे ही करना है यहाँ पर जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हम बनाएंगे जो बैक साइड का फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे अगर गलती से बैक साइड वाला फंदा यहाँ पर आपने बना दिया तो ये जुराब आपकी बीच में से सिल जाएगी इसलिए आपने ध्यान रखना है जो पीछे की तरफ का फंदा है उसको स्लिप करते जाना है और जो अपनी तरफ का फंदा है उसको बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है तो ये देखिए हमने इस सिलाई को भी बना लिया तो एक इधर से सिलाई बन गई एक इधर से अभी हम इसमें लगभग दो सिलाइयाँ इधर की और दो इधर की और बनाएंगे यानी हमारी दो, दो सिलाइयाँ बनी हैं चार सिलाइयाँ मैं और ऐसे ही बुन लेती हूँ फिर हम इसमें अंगूठा और ये वाला पार्ट अलग अलग करेंगे बनाना आपने ऐसे ही है अपनी साइड का फंदा बनाइए और बैक साइड का फंदा स्लिप कीजिए तो मैं ये अभी चार सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ दो इधर वाली साइड की और दो दूसरी वाली साइड की तो टोटल हमारी यहाँ पर छः सिलाइयाँ बन जाएगी तो ये देखिए ये फंदे फोल्ड करने के बाद हमारी टोटल राउंड में छह सिलाइयाँ बनी हैं तीन इधर वाली साइड की और तीन बैक साइड की अब इसमें हम अंगूठा और ये पैर का पंजा बनाएंगे जब आप पहले वाली जुराब बनाओगे तो चाहे आप यहाँ पर अंगूठा बना लीजिए चाहे यहाँ पर बना लीजिए लेकिन जब हम दूसरी जुराब बनाएंगे तब हमें ध्यान से बुनना होगा कि कहीं हमारी एक ही पैर की जुराब ना बन जाए क्योंकि पहले वाली में आप बनाओगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक हमारी दोनों सेम होती बस ये वाली चीज़ें अलग होती हैं तो अब इसके लिए आपको क्या करना है ये जो पहले वाली जुराब है अगर आप इसको सीधा रख के देखोगे तो इसमें मिस्टेक लग सकती है तो पहले वाली को भी हम उल्टा ही कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारे लेफ्ट या राइट कौन से पैर की बनी है तो इसको उल्टा करके आप ऐसे रख लीजिएगा अब ऐसे रखोगे इस वाली जुराब को आप ऐसे रखिएगा ये देखिएगा क्योंकि ए डी नीचे की तरफ है दोनों की अब आपको पता लग जाएगा अंगूठे से आपका अंगूठा मिलना चाहिए यानी इस वाली जुराब में हमारा अंगूठा यहाँ पर बनाया गया है तो अब इस वाली जुराब में हम अंगूठा यहाँ पर बनाएंगे तो ये जो सिलाई है इसको भी हम यहाँ तक बुन लेते हैं पहले अंगूठा बनाएंगे और बाद में पंजे वाला पार्ट बुनेंगे बुनाई ठीक ऐसे ही करनी है अपनी साइड के फंदे को बनाएंगे और बैक साइड के फंदे को स्लिप करते हुए ये हमारी सातवीं सिलाई है इसमें छठी सिलाई पर अंगूठा बन गया है दूसरे वाली में सातवीं सिलाई जैसे छह सिलाई बना के सातवीं पे बना है और इसमें सात सिलाई बना के आठवीं पे अंगूठा अलग होगा इतना अंतर इसमें हमारा आएगा तो ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई अब हम यहाँ पर अंगूठे के फंदे अलग करेंगे बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा तो अंगूठे के लिए हम सत्रह फंदे निकालेंगे देखिए एक हो गया ये हमने स्लिप किया दो ये बनाया तीन पीछे से स्लिप कर दिया चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह ये हमने सत्रह फंदे अंगूठे के निकाल लिए अब यहीं से हम टर्न करेंगे और धागे को अपनी तरफ घुमा लेंगे बैक साइड के फंदे को स्लिप कर देंगे अपनी साइड के फंदे को बनाएंगे फिर बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे अपनी साइड के फंदे को बनाएंगे बस अब हमें दोनों साइड से इन सत्रह फंदों की ही बुनाई करनी है जो फंदे अपनी तरफ के हैं वो बुनिए है, जो बैक साइड के हैं वो स्लिप कीजिएगा और पौने दो इंच हम इस अंगूठे की लेंथ बनाएंगे तो ऐसे करते हुए आप फिर यहाँ से टर्न कीजिए फिर यहाँ तक के सत्रह फंदे यहाँ निशान आ गया इनको बुनिए तो मैं पौने दो इंच से बना लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स अंगूठे की लेंथ मैंने पौने दो इंच बना ली है मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ ये देखिएगा आप इसको ऐसे इंची टेप रख लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हमारा पौने दो इंच पे निशान होता है और यहाँ तक इस कट पे हमारा ये निशान आया तो ये पौने दो इंच इसकी लेंथ बन गई है अब हम इसकी गोलाई बनाएंगे तो गोलाई कैसे बनानी है ये देखिएगा यहाँ से आप दो फंदे का या तीन फंदे का पहले एक बनाइए मैं तीन फंदों का बनाऊंगी ताकि इसकी अच्छी सी गोलाई बने और जल्दी से घटाई हो जाए नहीं तो ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाएगी तो ये हम तीन का एक फंदा बनाएंगे फिर जो फंदा अपनी तरफ का होगा उसको हम बुन लेंगे जो बैक साइड का होगा उसे हम स्लिप कर देंगे फिर जो अपनी साइड का है उसे बुनेंगे बैक साइड वाले फंदे को स्लिप करेंगे अपनी साइड वाले फंदे को बुनेंगे ऐसे करते हुए लास्ट में हमें तीन का एक करना है ये देखिएगा यहाँ पर हमारे ये एक दो और ये तीन गिन के देख लीजिएगा तीन फंदे हैं इन तीन का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे अब हम यहीं से टर्न करेंगे जो बैक साइड का फंदा है उसको हम स्लिप करें करेंगे ये हमारा अपनी साइड पे ही आ रहा है ये वाला फंदा और ये हमारा बैक साइड पे है तो इसी फंदे को दोबारा से बुन लेंगे इसको हम स्लिप करेंगे ये हमें ध्यान में रखना है फिर अपनी तरफ का है इसको बुनेंगे बैक साइड वाले को स्लिप करेंगे अपनी साइड वाले फंदे को बुनेंगे फिर इसको ऐसे स्लिप करेंगे इसको बुनेंगे इसको स्लिप करेंगे इसको बुनेंगे इसको स्लिप करेंगे और लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे अब फिर से हमें यहाँ पर घटाई करनी है तो तीन फंदों का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे ये देखिए तीन फंदे एक साथ लेंगे तीन का एक फंदा बना देंगे फिर जो हमारी साइड का फंदा है उसकी हम बुनाई करेंगे जो बैक साइड का है उसे स्लिप करेंगे जो अपनी साइड का है उसे बुनेंगे ऐसे करते हुए लास्ट में हमें तीन का एक फंदा बना देना है तो ये हमारे लास्ट के तीन हैं इन तीन का हम एक करेंगे अब आज ये उल्टी साइड यहाँ पर भी अब हम घटाई करेंगे क्योंकि अब इसमें कोई गैप नहीं रखना है एक ही बार रखना है फिर से हम यहाँ से तीन फंदों का एक करेंगे बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे अपनी साइड के फंदे को बुनेंगे बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट के जो तीन हैं इन तीन का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही घटाएंगे ये देखिएगा यहाँ हम तीन फंदों का एक बना देंगे फिर आगे हमारे बच गए हैं जो फंदे दो होंगे तीन होंगे उनका आप एक बना दीजिए अब ये हो गई दो दो का एक करके और इसके बीच में से ऊन को निकाल देंगे अब ये देखिए अंगूठे की बहुत ही सुंदर सी गोलाई बन गई है अब धागे को हम ऐसे ही कट नहीं करेंगे अगर ऐसे ही कट कर देंगे तो ये यहाँ से नोट इसकी खुल सकती है ऐसे इसके यहाँ नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे एक फंदा बनाएंगे पक्का कर देंगे फिर यहाँ से फंदा बनाएंगे पक्का कर देंगे फिर यहाँ से बाद में धागे को कट कर देंगे तो ये देखिए अंगूठा इसका बन गया है अब इस साइड का हमारा पार्ट बनेगा तो हम यहाँ पर इन दो धागों के नीचे से एक अपनी साइड का और एक बैक साइड का इसके नीचे से ऐसे धागा लेके और यहाँ पर पक्का सा उसको करके बांध देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऊन को मैंने बांध लिया है अब ठीक वैसे ही बुनाई करनी है जो बैक साइड का फंदा है उसको हम स्लिप करेंगे जो अपनी साइड का है उसको हम बुनेंगे दोनों तरफ से हमें ऐसे ही बुनना है और लगभग सवा इंच इस पार्ट की हम बुनाई करेंगे तो मैं इसे जो है यहाँ तक का जो हमारा पार्ट है इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ जहाँ से हमने घटाई शुरू की है कितना बना है ये यह यहाँ से बना है तो ये देखिए डेढ़ इंच पे इसकी घटाई हुई है तो मैं डेढ़ इंच ही ये वाला बुन लेती हूँ दोनों तरफ से ऐसे ही करते जाना है अपनी साइड का फंदा बुनना है और बैक साइड का फंदा स्लिप करना है तो मैं इसकी लगभग डेढ़ इंच की बुनाई कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी मैंने लगभग डेढ़ इंच लेंथ बनाई है डेढ़ इंच से थोड़ी सी कम है ये देखिएगा यहाँ पर जो हमने धागा अटैच किया था यहाँ इंची टेप को रखेंगे और इसको हम ऐसे नाप लेंगे तो देखिए ये वाला जो बड़ा पॉइंट है यहाँ पर डेढ़ इंच बनता है लेकिन हमारी लेंथ है इस छोटे पॉइंट तक तो, यानी एक पॉइंट इसकी लेंथ कम है इतना आप बना लीजिए अब हम साइड से इसकी ये वाली शेप बनाएंगे घटाई करके तो ये देखिएगा यहाँ से हम तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन का एक किया बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे अपनी साइड के फंदे को बनाएंगे ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम बना लेंगे फिर दूसरी साइड से भी हम यहाँ तक इसको बना कर ले आएंगे तो ये देख लीजिए घटाई करने के बाद ये सिलाई बनाई फिर इधर से बना ली अब फिर आ जाइए यहाँ इस कोने वाली साइड पर अब यहाँ से हम फिर से तीन फंदों का एक करेंगे एक दो और ये तीन एक हमारा इधर अपनी साइड का है एक बैक साइड का फिर एक अपनी साइड का ये इस तरह से तीन फंदे हैं इन तीन का हम एक करेंगे फिर बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को पूरा बुन लेंगे फिर दूसरी साइड से सिलाई को बनाएंगे अब हमें हर बार यहाँ पर तीन का एक करते हुए घटाई करते जाना है और ये जो लेंथ है ये देखिए ये जो आपकी चोटी है इस अंगूठे की इतनी लेंथ इसकी बनेगी तब तक हम यहाँ से तीन का एक तीन का एक करके घटाते जाएंगे आप ऐसे नाप लीजिएगा आपकी जो इसकी है ये इसके लेवल में आ जाएगी तो मैं इसे ऐसे ही यहाँ से हर बार इस साइड से तीन का एक करते हुए यहाँ तक बुन लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके आप नाप लीजिएगा ये लेंथ यहाँ इसके बिल्कुल बराबर हो गई है और यहाँ से हमने घटाई की है अब मेरे पास सिर्फ पंद्रह फंदे बचे हुए हैं यहाँ पर इनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे तो देखिए यहाँ से हम तीन फंदों का एक करेंगे और इस फंदे को हम वापस सिलाई पर ले आएंगे हल्का सा लूज़ रखेंगे ज़्यादा नहीं फिर नेक्स्ट वाले दो फंदे लेकर तीन का एक करेंगे फिर इसे सिलाई पर लाएंगे फिर नेक्स्ट वाले दो साथ में लेंगे तीन का एक करेंगे ऐसे करके हम इन सभी फंदों को यहाँ पर बंद कर देंगे तो जुराब हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है बस अब इसकी सिलाई करना बाकी है और ये वाला जो धागा है अब इसके बीच में से ऊन को निकालिए पक्का कर दीजिए फिर इसको दो चार बार यहाँ एक एक इस फंदे में से निकाल के फंदा बनाते जाइए बीच में से ऊन निकाल के टाइट करते जाइए फिर कट कीजिए अगर एक बार में ही काट देते हैं तो पहनने के बाद ये खुल जाती है तो मैं इसको यहाँ पर पक्का कर देती हूँ उसके बाद देखिए इस जुराब की हमें सिलाई करनी है यहाँ से लेकर आप इसको ऐसे मिलाइएगा देखिए ये जितने इसके पार्ट हैं इनको आप ऐसे मिलाइएगा ऐसे करके और फिर ये वाला पार्ट यहाँ और ये वाली ऐसे मैं इसकी सिलाई करके फिर आपको दोनों जुराब का फाइनल लुक दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ये सुंदर सा पेयर बन के तैयार हो गया है इस जुराब के पेयर को बनाने में सिर्फ साठ ग्राम ऊन लगी है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू